नमस्ते, मैं मेगा न्यूज मूवमेंट हिंदी। पेयजल के विरोध में ग्रामीण सड़क दुर्घटना में चितरंजन, सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर आसनसोल में आदिवासी समुदाय। ईशेल के नए सीएमडी सुमिरन दत्ता ने ईशेल का अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद सभी अधिकारियों, श्रम संगठनों एवं पत्रकारों के साथ बैठक कर कंपनी की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पत्रकारों से नजदीकियां बनाने के लिए पहल करते हुए जनसंपर्क विभाग अध्यक्ष से प्रत्येक महीना पत्रकारों के साथ बैठक करने की नए साल से पहले आसनसोल कोहरे की आगोश में समाया। चार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। आसनसोल भले ही बंगाल में नए साल के त्योहार के कारण सर्दी की कोई संभावना नहीं है, लेकिन आसनसोल का औद्योगिक क्षेत्र शनिवार सुबह से ही कोहरे से ढका हुआ है। आसनसोल शहर शनिवार सुबह से ही कोहरे में डूबा हुआ है। आज सुबह से ही जिले भर में ठंड रही। आसनसोल का न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री के आसपास देखा जा रहा है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी निकली। हालांकि सुबह और शाम में सर्दी का कुछ मिजाज रहेगा। नए साल का जश्न खुशनुमा माहौल में मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन घने कोहरे में दुर्घटनाएं बढ़ रही सकती है। औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को शून्य दृश्यता के निकट तेज ठंडी धारा का सामना करना पड़ता है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी, तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609773040। नवंबर माह के लिए मंडल गौरव पुरस्कार 2023। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। आसनसोल पूर्व रेलवे के अंतर्गत आसनसोल मंडल के कर्मचारियों द्वारा फील्ड स्तर पर किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को पहचानने और मान्यता प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह मंडल गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नवंबर 2023 माह के लिए वाणिज्यिक विभाग के श्री अविनाश कुमार, मुख्य वाणिज्यिक लिपिक आसनसोल को मंडल और गौरव समिति द्वारा मंडल गौरव पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिन्हें श्री चेतनानंद सिंह, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल, 29/12/2023 को यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री अविनाश कुमार, मुख्य वाणिज्यिक लिपिक आसनसोल ने 1/10/2023 को ड्यूटी के दौरान ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर लिक्विड चॉकलेट वाले 6 बोरी बंडलों वाली एक खेप को बुक किया और इसी क्रम में श्री कुमार पर बुक की गई सामग्री को तुरंत भेजने के लिए दबाव डाला गया। ग्राहक के जाने के बाद बुक की गई घोषित सामग्री पार्टी के कथन से भिन्न हो सकती है। इस संदेह पर श्री कुमार ने तुरंत RPF प्रभारी निरीक्षक को सूचित किया। RPF के जवानों की मौजूदगी में ग्राहक को पेश के लिए बुलाया गया, लेकिन ग्राहक ने अपनी पेशी को लेकर बार बार बहाने बनाने लगा। ग्राहक की अनपेक्षित प्रतिक्रिया के कारण सामग्रियों को संयुक्त निरीक्षण किया गया। सभी
6 बोरी बंडलों को खोलने पर 572 डिब्बे हेवडर्स 5000 बियर के मिले। कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए सभी डब्बे जब्त कर लिए गए। श्री अविनाश की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण मंडल ने शराब के खेप भेजने में मिली भगत को रोका और मंडल की छवि को सुरक्षित रखा। श्री अविनाश कुमार मुख्य वाणिज्यिक लिपिक आसनसोल द्वारा किए गए उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों को पहचान देने के लिए उन्हें नवंबर 2023 महीने के लिए गौरव मंडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट फर्स्ट फ्लोर आसनसोल 713301। प्रोडक्ट्स आर बायोटिक गार्नियर एवर यूथ निविया सहनाज मैमथ ओ3 प्रोफेशनल लोटस प्रोफेशनल पतंजलि जॉबिस नेचर्स मेंस ग्लो प्लम एम कैफिन वीएलसीसी गुड वाइब्स ओला फेम ऑर्गेनिक राजा सुगर लैक्मे वेबलिन लोटस कलर पॉन्ड्स सिल्क मैट्रिक्स लोरियल बेला एटसेट्रा। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9126767709। सेल काम करने के लिए शानदार जगह अंतरराष्ट्रीय संस्था ने दिया सर्टिफिकेट। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। बर्नपुर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रतिष्ठित काम करने के लिए शानदार जगह प्रमाणन हासिल किया। यह मान्यता एवं एक उत्कृष्ट कार्यस्थल संस्कृति और सकारात्मक कर्मचारी अनुभव बनाने के लिए सेल की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। हालांकि सेल के हजारों कर्मियों को यह हजम नहीं हो रहा है क्योंकि कंपनी की ओर से हाल ही में सभी कर्मियों के एक सर्वे फॉर्म दिया गया था, लेकिन कर्मियों का दावा है कि अधिकांश ने यह फॉर्म नहीं भरा है। अब जब कंपनी पर सर्टिफिकेट पर अपना पीठ थपथपा रही है कि को सोशल मीडिया पर कर्मी कंपनी को आईना दिखा रहे हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर लिखा गया है कि यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि इसे ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट भारत द्वारा दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है। ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन एक वैश्विक मान्यता है जो एक सम्मानित और मांग वाले नियोक्ता होने के लिए सेल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह मान्यता विश्वास सहयोग और कर्मचारी सशक्तिकरण के कार्यस्थल को बढ़ावा देने पर सेल के निरंतर फोकस का प्रमाण है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप जीटी रोड आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন কালার বার সুগার ল্যাকমি প্লাম লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9563400888 and 8918940868। इशेल के नए CMD सुमिरन दत्ता ने इशेल का अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद सभी अधिकारियों श्रम संगठनों एवं पत्रकारों के साथ बैठक कर कंपनी की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पत्रकारों से नजदीकियां बनाने के लिए पहल करते हुए जनसंपर्क विभाग अध्यक्ष से प्रत्येक महीना पत्रकारों के साथ बैठक करने की व्यवस्था करने को कहा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। सक्तोरिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार नए CMD सुमिरन दत्ता ने ईशियल का अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद कोयला श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सक्तोरिया एवं कल्ला अस्पताल में आधुनिक मशीन लगाए जाने के बात कही। कहा कि अस्पताल में डिजिटल एक्सरे एवं डायलिसिस मशीन लगाया जाएगा ताकि कर्मियों को समुचित इलाज मिल सके। कोयला चोरी पर अंकुश लगाए
जाने के संबंध में उन्होंने कोयला चोरी पर अंकुश लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेने और सीआईएसएफ को और मजबूत करने की बात कही। साथ ही कहा कि ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाएगा। अवैध कोयला खदानों के बारे में कहा कि अवैध खदानों का डोजरिंग होता है, परंतु कोयला तस्कर दूसरे ही दिन मुहाने को साफ कर कोयला निकालना शुरू करने लगते है। उन्होंने पुनर्वासन सूची में नाम छूट गए व्यक्तियों के संबंध में कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर हम लोग दोबारा देखेंगे। ब्लास्टिंग के कारण उठ रही आवाजों को लेकर उन्होंने पूछे जाने पर कहा कि ब्लास्टिंग तो माइनिंग की एक प्रक्रिया है, पक्के घर प्रभावित ना हो इसके लिए कानून भी है। उन्होंने कहा कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग भी चालू हो गया है, इसका प्रभाव कम है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं इसे वाइब्रेट कर कोयला को लूज कर देता है, ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि इसी टेक्नोलॉजी का हम लोग बड़े पैमाने पर व्यवहार करेंगे। उन्होंने पत्रकारों की समस्या का भी समाधान करने का आश्वासन दिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर आसनसोल में आदिवासी समुदाय ने रेल रोका। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। काली पहाड़ी से रवि पासवान के अनुसार आसनसोल सरना धर्म कोड का लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय की ओर से प्रदर्शन किया गया। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान आदिवासी समुदाय के लोगों ने आसनसोल के कहाली पहाड़ी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोकी और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की। बाद में आरपीएफ अधिकारियों ने उन्हें वहां से हटाया। इस रेल नाकेबंदी के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। आदिवासियों के सरना समुदाय के राष्ट्रीय गुरु सालखन मुर्मू के नेतृत्व में पूरे देश में रेलवे नाकाबंदी का आह्वान किया गया था। उस कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनकारियों ने आसनसोल और आसनसोल से सटे इलाकों के रेलवे स्टेशन को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। नाकेबंदी के कारण लंबी दूरी की गई ट्रेनें आसनसोल के कई स्टेशनों पर रुक गई। आंदोलनकारियों का आरोप है कि आदिवासियों को तरह तरह का प्रलोभन दिखाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। नतीजा यह हुआ कि देश भर में आदिवासियों की संख्या 38% से घटकर 26% रह गई है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. सड़क दुर्घटना में चितरंजन रेल कर्मी की मौत। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। चितरंजन रेल कर्मी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। शुक्रवार आधी रात के करीब हिंदुस्तान केबल्स रोड पर बस स्टैंड नंबर 6 से सटे इलाके में सड़क दुर्घटना में अमल नंदी उम्र 58 नामक रेलकर्मी की मौत हो गई। मृत व्यक्ति का घर विनायक प्लाजा में है, रूप नारायणपुर सब्जी बाजार से हरसटा आवास। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रेलवे फैक्ट्री में मशीनरी लाने के लिए इस्तेमाल किए गए एक विशाल ट्रेलर की चपेट में आने से चितरंजन की मौत हो गई। अन्य लोगों का कहना है कि यह घटना दो ट्रेलरों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण हुई है। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक हादसे के बाद अमल नंदी लहूलुहान हालत में सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने उसे देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दौड़कर उसे बचाया और अस्पताल भेजा। अस्पताल के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि पुलिस मृतक के शव को ले आई मोटरसाइकिल की चौकी ले जाया गया। चौरंगी चौकी पुलिस ने एक ट्रेलर वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन रूबिया फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए
रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में 5 लोगों के एक परिवार ने आत्महत्या कर ली। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। एक दुग्ध घटना में अनकापल्ली में 5 लोगों ने एक परिवार ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि उनमें से एक आत्महत्या का प्रयास करने के बाद जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। स्थानीय लोगों की रिपोर्ट से पता चलता है कि घटना के पीछे भारी कर्ज है। गुंटूर जिले के तेनाली के एक सुनार शिवराम किशन अपने परिवार के साथ अनकापल्ली में स्थानांतरित हो गए थे। घटना रात को सामने आई जब उन्होंने साइनाइड खा लिया, जिससे शिवराम कृष्ण उम्र 40, माधवी उम्र 38 और उनकी बेटियां वैष्णवी 16 और लक्ष्मी 13 की जान चली गई। उनकी एक अन्य बेटी कुसुमा प्रिया 13 का वर्तमान में अनकापल्ली सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार ने फायर स्टेशन के पास एक स्थानीय फूड स्टॉल के पास अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या का प्रयास किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश मैथ्स आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832239611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुद्धा हजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। जंगल से एक शव बरामद हुआ। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। बनपुर से सुजीत सेन गुप्ता के अनुसार आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत बनपुर सूर्यनगर चपराल गांव की घटना। हीरापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। मृत युवक की पहचान साधन बावड़ी उम्र लगभग 44 के रूप में की गई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जंगल से एक शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड YouTube चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट एडिटर 9563830। पेयजल के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। जामुड़िया से शुभ्र सिंह के अनुसार जामुड़िया एक नंबर बोरो अंतर्गत वार्ड नंबर 8 के बीजपुर इलाके में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। आज सुबह ग्रामीणों ने जामुड़िया से बीजपुर के रानी शायद जाने वाली मुख्य सड़क को घंटों जाम कर प्रदर्शन किया। खबर मिलते ही जामुड़िया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आसनसोल निगम के मेयर सुब्रत अधिकारी इस बीजपुर क्षेत्र में पानी की समस्या जहां ग्रामीणों को शिकायत कई वर्षों से चली आ रही है, कई बार प्रशासन को बताने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। अब तक हम लोग कुएं के पानी पर काम कर रहे थे, लेकिन अब कुएं का पानी बंद हो रहा है नीचे, जिसका मतलब है कि बेसी पानी की समस्या से पीड़ित है। हालांकि इस पूरे मामले पर आसनसोल निगम के मेयर पार्षद सुब्रत अधिकार ने बताया कि जल क्षेत्र में काम होने के कारण इस समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा और अभी जो पानी की समस्या उत्पन्न हुई है उसके लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था की जाएगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट एडिटर 9563830। झारखंड में फर्जी लॉटरी टिकट के मामले में पुलिस की छापेमारी। हदीश फैक्ट्री 2 जब्त, लैपटॉप प्रिंटर समेत कई सामान बरामद। फर्जी लॉटरी टिकट कारोबार की तलाश में विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलने के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस और DD यानी खुफिया विभाग ने पड़ोसी राज्य झारखंड के चिरकुंडा और निरसा थाना क्षेत्र में एक साथ ऑपरेशन चलाया। उस इलाके में एक फैक्ट्री थी जहां नकली लॉटरी टिकट बनाने का धंधा चल रहा है था। वहां छापेमारी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फैक्ट्री से लैपटॉप प्रिंटर और मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर आदि उपलब्ध है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के DCP अभिषेक मोदी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोग झारखंड के धनबाद जिले के निरसा थाने के बिरला ढाल के राजीव कुमार और धनबाद के पंचेत बांध के बधाना झाटी बाजार के यूसुफ अंसारी उर्फ सोनू है। फैक्ट्री से जब्त किए गए आसामानों में 2 लैपटॉप, 9 प्रिंटर, 1 जेरोक्स मशीन, 1 कटिंग मशीन, टिकट काटने के लिए प्रयुक्त 1 हार्ड डिस्क, बड़ी मात्रा में सिंगल साइडेड लॉटरी टिकट, 4 कारतूस
और लगभग 300 रुपये मूल्य के 4 लाख मुद्रित लॉटरी टिकट। गिरफ्तार लोगों से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि गुरुवार की रात गिरफ्तार किए गए राजीव कुमार और मुकेश कुमार फर्जी लॉटरी टिकट के मुख्य कारोबारी हैं, जो झारखंड के निरसा और चिरकुंडा की फैक्ट्रियों में छपे नकली लॉटरी टिकटों को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न स्थानों पर सप्लाई करता था। अब अंत में समय है मूवमेंट के SMS का। फैमिली इज नॉट अबाउट ब्लड, इट इज अबाउट हु इज विलिंग टू होल्ड योर हैंड व्हेन यू नीड इट द मोस्ट। परिवार खून के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो तो कौन आपका हाथ थामने को तैयार है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।